हेलो एवरीवन, माय नेम इज शब्बर एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द गाइड। तो कैसे आप सब? अगर आप सब अच्छे होंगे तो आज मैंने आपके लिए काफी सारी गर्मा गर्म और ताजी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो बिना किसी देरी के भी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, पर नोटिफिकेशन कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि जब भी मैं कोई न्यू डेट डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, टुडे फर्स्ट थिंग इज फ्रॉम सैमसंग, और ये काफी अच्छी न्यूज है सैमसंग की तरफ से। बहुत ही जल्दी में देखने को मिल सकता है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन, सैमसंग गैलेक्सी F21 FE। और लीक से पता चल रहा है कि जो फोन होगा उसमें भी देखने को मिलने वाली है 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एक अच्छी चीज़ है। बट अगर थोड़ी और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग, मतलब और तो ज़्यादा वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती तो और काफ़ी अच्छा रहता। बट अब देखने वाली बात यह है कि हमें क्या क्या कमाल कमाल के फीचर्स देखने मिलते हैं फोन में, जब होता है फोन लॉन्च, क्या रहते हैं प्राइसिंग, जो भी कुछ होगा मैं आपको सब कुछ बता ही दूंगा। गाइस, टुडे सेकंड टेक न्यूज़ फ्रॉम लेनोवो। लेनोवो के K सीरीज के दो न्यू फोन लेनोवो K13 एंड लेनोवो K13 प्रो हुए गूगल प्ले कंसोल पे लिस्ट, जिसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी हमें देखने को मिलने वाले हैं ये दोनों फोन। देखने वाली बात यह है कि ये फोन इंडिया में लॉन्च होते हैं या नहीं। एंड लीक से भी पता चल रहा है कि जो दोनों फोन होंगे ये रिब्रांडेड वर्जन होंगे मोटो का, जो मोटो G30 एंड G10 का, जो कि एक अच्छी चीज़ तो नहीं है। बट अब देखते हैं कि इंडिया में देखने मिलता है फोन या नहीं, क्या रहते हैं इनके स्पेसिफिकेशन एंड क्या रहती है प्राइसिंग, और हाँ कब होते हैं फोन लॉन्च। मोटरोला बहुत जल्द मोटो की तरफ से भी देख सकते हैं दो न्यू स्मार्टफोन, जो भी हो सकते हैं मोटो के मोटो T6i एंड T7i पावर। एंड ये जो दोनों फोन है ये हो गया ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट। एंड अब देखने वाली बात है कि ये फोन भी अंदर हमें देखने को मिलते हैं एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन नहीं पता चली है, एंड बहुत ही जल्द पता चल भी जाएंगी तो जो भी कुछ होगा मैं आपको कुछ बता ही दूंगा। अगेन काफ़ी अच्छी न्यूज है सैमसंग की तरफ से। बहुत जल्द हम सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज का भी एक न्यू फोन देख सकते हैं, जो कि हो सकता है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F22। एंड ये जो फोन है ये भी ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन साइट का हो गया लिस्ट, प्लस जो फोन है लीक से पता चल रहा है कि ये हो सकता है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A22 का रिब्रांडेड वर्जन, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है। बट देखते हैं क्या रहती है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या रहती है प्राइसिंग, और क्या क्या कमाल कमाल के इसको क्या कमाल कमाल की चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है, तो स्टे ट्यून्ड। गाइस, टुडे इज फिफ्थ टेक न्यूज़ फ्रॉम नोकिया, और आज की सबसे यूनिक न्यूज़ है, नोकिया ने अपने दो न्यू कीपैड 4G फोन कर दिए हैं रिवील। एक है नोकिया के नोकिया बन 10 4G एंड एक है 105 4G। इन दोनों मतलब काफ़ी क्यूट एंड यूनिक से दिख रहे हैं। एंड जैसे पहले नोकिया अपने कीपैड फोन लॉन्च करता था सेम वैसे ही है फोन, एंड काफ़ी फंकी डिज़ाइन भी है इनका। तो मैं आपको इनके एक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, जैसे इस फोन में हमें देखने मिलेगी 1.8 इंच की डिस्प्ले, इसमें हमें देखने मिलेगा FM रेडियो का सपोर्ट एंड फ्लैश लाइट जैसा, और भी काफ़ी कमाल कमाल और यूनिक फीचर्स जो कि हम पहले के कीपैड फोन में देखा करते थे। एंड इसमें हमें देखने मिलेगी 1020 की बैटरी, जो कि आपको मतलब काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप दे देगी। तो देखते हैं कब ऑफिशियली होते हैं फोन लॉन्च एंड क्या रहती है प्राइसिंग। गाइस, टुडे सिक्स टेक न्यूज़ इज़ फ्रॉम सैमसंग, और एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। जैसे कि हम सबको पता ही है कि हर साल सैमसंग करता है अपने सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड एंड सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप के एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च, और इस बार भी होने वाला है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 एंड जी फ्लिप 3 लॉन्च। एंड इनके एक दो स्पेसिफिकेशन हो गए लीक, जैसे इन दोनों फोन में हमें देखने को मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर, मतलब स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर, जिसमें हम देखने को मिल सकती है 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और 45 एमएएच में देखने को मिल सकती है दोनों फोन में ही बैटरी। तो आप लीक से पता चल रहा है ये दोनों फोन हो सकते हैं अगस्त में लॉन्च एंड 27 अगस्त से हो सकते हैं इनकी फर्स्ट सेल, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो देखने वाली बात यह है कि कब होते हैं दोनों फोन लॉन्च और क्या रहती है इनकी स्पेसिफिकेशन एंड क्या क्या हमें पता चलता है। एंड सबसे बड़ी चीज़ इनकी क्या रहती है प्राइसिंग, एंड इन्हीं फोन के साथ दो न्यू प्रोडक्ट और हो सकते हैं लॉन्च। एक होगा सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 एंड एक होगा सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2। तो अब देखते हैं इनकी भी क्या रहती है प्राइसिंग एंड क्या रहती है स्पेसिफिकेशन। सेवेंथ एंड लास्ट टेक न्यूज़ फ्रॉम ओनर, जैसे कि हम तुमको बताइए कि आज है ओनर का ओनर 50 सीरीज का लॉन्च। एंड लॉन्च से पहले कुछ मतलब लीक्स पता चली हैं, जैसे कौन कौन से फोन मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं आज लॉन्च।
तो मैं आपको सब कुछ वन बाय वन बता देता हूँ। तो आज के लॉन्च में हम देखने को मिल सकते हैं ओनर की तरफ से 3 न्यू फोन। एक होगा ओनर का ओनर 50 SE, एक होगा ओनर का ओनर 50 एंड एक होगा ओनर का ओनर 50 प्रो। एंड तीनों की स्पेसिफिकेशन वन बाय वन बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन सेम है, बट जो ओनर का ओनर 50 SE है इसमें हमें देखने को मिलेगा MediaTek का 900 का प्रोसेसर, एंड 50 में ऑनर 50 में हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर। एंड वहीं जो ओनर का 50 प्रो है इसमें हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 888 का प्रोसेसर। एंड तीनों फोन्स में हमें देखने को मिलेगी OLED डिस्प्ले, एंड तीनों में हमें देखने को मिलेगी 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। एंड वैसे भी आज लॉन्च हो जाएगा तो हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा। देखते हैं इंडिया में फोन आते हैं नहीं और क्या रहती है। गाइस ऐसी लगी आज हमारी टेक न्यूज़, तो इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड हाँ अगर भी आपने कॉल नहीं करा है जल्दी से जाकर मेरे को सिंगल कॉल कर लीजिए। गाइस जैसे लगे आज का हमारी टेक न्यूज़ उसके लिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड हाँ अगर तक आपने मेरे को सिंगल फॉलो नहीं करा है तो जल्दी जाकर मेरे को सिंगल फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो ही होगी। एंड और भी ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन कर दीजिए और सब्सक्राइब करके कोई न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।